अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी, खुद की जुबानी। मैं हूं देविका, एक आम जिंदगी जीने वाली एक साधारण औरत। आज है तारीख 21 अप्रैल। आज का दिन भी उसी तरह शुरू हुआ। मेरी जिंदगी में अगर कुछ बदलता है तो वो है सिर्फ तारीख, और जो कुछ नहीं बदलता वो है बे इंतहा दर्द। सुबह उठकर नाश्ते में चाय के साथ 2 थप्पड़, फिर दोपहर के खाने में पेट भर गालियाँ, शाम को नाश्ते में थोड़ी मारपीट, और फिर रात को डिनर में अकेलापन, मायूसी, दर्द, घुटन और इंतज़ार। लेकिन आज मैं इस दर्द को और इंतज़ार को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगी। मैं और झरना कल रात से फोन लगा रहे हैं, लेकिन तेरा फोन लगातार बंद आ रहा है, इसलिए अल्पेश जी के फोन पर फोन करना पड़ा। तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मेरा फोन टूट गया है, रिपेयर पे दिया हुआ है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। बेटा, जब तू फोन नहीं उठाती है ना, तो दिल में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। मुझसे कुछ मत छुपाना। हाँ अल्पेश, आज भी वैसा ही है क्या? अरे दीदी, एक काम कर, तू ना कुछ दिन के लिए यहाँ आ जा। जब तुम दोनों यहाँ पे थे सब कुछ ठीक था ना तुम दोनों के बीच में? जब से तुम दोनों दरभंगा गए हो ना, तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। प्रॉब्लम्स तो मुझे सुलझानी पड़ेगी ना, सब कुछ छोड़ के आना ये कोई सोल्यूशन नहीं है ना। तू टेंशन मत ले, मैं ठीक कर लूंगी, आई प्रॉमिस। देविका, मेरा फोन कहाँ पर है? दिल्ली से इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है डॉक्टर का। अच्छा मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ मैम, सब ठीक है। इससे पूछ के फोन को हाथ लगाया तुमने? किससे बात कर रही थी? मैडम बहुत बड़ी ब्लॉगर हैं, इंटरनेट पे बड़े बड़े लेख लिखती हैं, ये तो होगा कोई आशिक। मम्मी मना किया ना तुझे मैंने, फोन को हाथ मत लगाया कर। ये फोन और ब्लॉग पर ध्यान हटा और अपने पति पर दे। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि फोन को हाथ नहीं लगाना है, ब्लॉग लिखना छोड़ देना है। मैंने आपको कोई सुख नहीं दिया, अच्छी पत्नी नहीं, मेरा चाल चलन ठीक नहीं है। आप डॉक्टर हैं, मैं आपके लायक नहीं, सब कुछ आप पहले भी कह चुके हैं। अब तो बेशरम भी हो गई है। क्या आगे क्या दिखा रही है? बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ कर फोन कर देना, ठीक है? अरे माँ जी रहने दीजिए। रख लो। दीदी, दीदी, ये सब क्या हो रहा है? ये सामान एंड ऑल आप लोग हनीमून पे जा रहे हो और मुझे बताया भी नहीं? हनीमून पे नहीं, तेरे दीदी और जीजा जी दरभंगा शिफ्ट हो रहे हैं। दरभंगा अचानक से क्यों? ये का प्लान बन गया आप लोगों का?
अब मुझे इस घर में कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? अगर मैं तुझे बताती तो तू मुझे शिफ्ट होने देती? ऑफ कोर्स नहीं जाने देती, बस इसलिए नहीं बताया। जीजू आपने बोला था ना शादी के पहले कि आप दीदी के साथ यही रहोगे समस्तीपुर में, फिर अचानक ये सब। और हमने रिश्ता पक्का इसलिए किया था कि हमारी लड़की हमारे सामने रहेगी, हमारी नजरों के सामने हमेशा। अच्छा जी, आपकी लड़की? हाँ, जाने की बात अलग होती है, लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं। अल्पेश को दरभंगा के 2-3 हॉस्पिटल में विजिटिंग प्रेडिटेशन का ऑफर मिला है। इसका मतलब शादी के पहले आपने जो भी बोला था वो झूठ था? ये तो होना ही था, मैं उसे मना किया था। अगर तुम मुझसे ऐसे नाराज होगी तो मैं कैसे जा पाऊंगी? तो मत जाना। जाना तो पड़ेगा ना। और मैं कौन सा मीलों दूर जा रही हूँ, 1 घंटे का तो रास्ता है। जब भी तेरा मन करे तो मुझसे मिलने आ जाना, नहीं तो मैं आ जाऊंगी। और वैसे भी फोन है ना, हम रोज फोन कॉल पे बात करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, चैट करेंगे। तो रोज मुझे कॉल करेगी ना, और मुझे भूलेगी तो नहीं? अब मेरी किसी बात पे गुस्सा होके तो मुझसे बात करना बंद तो नहीं कर देगी? वक्त और जगह बदल जाने से जज्बात हुए ना बदलते हैं। दूर रहकर भी पास रहने का एक अलग ही मजा है, ट्राई करते हैं ना। अच्छा चल, एक गुड बाय वाली सेल्फी लेते हैं। देविका, हम लेट हो रहे हैं, चलें। हाँ मैंने लिख लिया है। हाँ बस मैं प्रूफ ही रीड कर रही हूँ। हाँ हाँ मैं आपको रात तक भेज दूंगी। हाँ अरे अब आ गए, इतना सर सवर कर किसके लिए बैठी हो? आप भूल गए, आपके दोस्त विवेक की सालगिरह है ना आज, उसकी पार्टी में जाना है ना हमें। थैंक यू भाभी। वैसे पता है भाभी आपको कि मैंने और अल्पेश ने MBBS साथ में किया है? वैसे मैंने आपके ब्लॉग्स और आर्टिकल्स पढ़े, काफी अच्छा लिखती हैं आप। थैंक यू। समोसे भी लीजिए ना। थैंक यू। ये समोसे आपने बनाया? जी काफी टेस्टी है। थैंक यू। ये ब्लू कलर में आप पे काफी सूट कर रहा है और मेरा फेवरेट भी है। आपकी स्टाइलिंग बड़ी लाजवाब है भाभी, मानना पड़ेगा अल्पेश, भाभी है तो मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा तो इसीलिए तूने उसके फेवरेट कलर का सूट पहना है? तारीफ कर रहा था ना वो तेरे सूट की उस दिन, इसी कलर में। क्या चाहती क्या हो तुम, रिझाना चाहती हो उसे? तुम्हें तो उसकी सालगिरह तक याद है। तुम ना एक काम करो, मैं तुम्हें अपने सारे दोस्तों के फेवरेट कलर की लिस्ट देता हूँ, तुम सब रंगों के सूट खरीद लो। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपको लगता है कि इसीलिए मैंने ये ड्रेस पहनी है? कितनी घटिया सोच है आपकी। मेरी घटिया सोच है और तेरे इंटेंशन का क्या? मैं ना हजारों लोगों से मिलता हूँ डेली, सबको अच्छे से समझता हूँ और धीरे धीरे तू भी मुझे समझ आ रही है। और एक बात बता, तेरे ये मंगलसूत्र कहाँ है और ये सिंदूर? मंगलसूत्र शायद ड्रेसिंग टेबल पे ही रह गया होगा, और सिंदूर तो मैंने लगाया है। मैं दिखाता हूँ तुझे सिंदूर कैसे लगाते हैं। अरे मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, छोड़िए, ये क्या कर रहे हो आप? अब हुआ ना श्रृंगार, चल देख। इसे कहते हैं श्रृंगार, मंगलसूत्र नहीं पहना ना तूने? हम कहीं नहीं जाएंगे, तू कपड़े बदल और मेरे लिए खाना बना, और आज के बाद मेरे दोस्त रिलेटिव से दूर रहना, ठीक है? दिला दिया ना उसे गुस्सा, तू क्यों उसका खून चलाती है? हाँ एक बात बता, ये सारी हरकतें जो करती है जानबूझकर करती है ना, ताकि उसका दिल दुखे? तुझे मेरे भाई से कोई लगाव नहीं है?
मैंने आज तक अपने पति से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। उन्हें हमेशा खुश करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन भगवान ने उन्हें समय से और आज भी उनकी याद आती है ना तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और एक तू है, तू एक बात सच सच बताना, तू ये ब्लॉगिंग और राइटिंग की आड़ में किसी और के साथ तेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना दीदी? ये तेवर ना किसी और को जाकर दिखाना, समझी? क्योंकि जैसे तेरा रंग ढंग है ना, अल्पेश ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा ये, समझी तू? दीदी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप, वो भी अकेले? मुझ पे ध्यान देने की बजाय ना अपने पति पे ध्यान दे, जाकर उसे संभाल। रिश्तों को संभाल के रखने का और निभाने का कर्म औरत से शुरू होता है। झगड़े कहाँ नहीं होते, पर उन झगड़ों को प्यार में बदलने का हुनर भी औरत से ही होता है। अल्पेश, एक मिनट रुकिए। ये आपकी फाइल रह गई थी ऊपर। थैंक यू। एक मिनट। अब ठीक है। सुनिए ना, आज अगर ज्यादा काम ना हो तो जल्दी आ जाओगे घर? आई विल ट्राई।
रेणुका मैडम आप ही है? हाँ। ये आपका पार्सल है। पर मैंने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं है। ये देखिए, मेमो और एड्रेस तो आपका ही है ना? हाँ। थैंक यू। पर नाम तो किसी का नहीं लिखा है। जिस तरह मैं अपने रिश्ते में एफर्ट डाल रही हूँ, हो सकता है शायद अल्पेश भी वही कर रहे हैं। कहीं ये सरप्राइज गिफ्ट मुझे अल्पेश ने तो नहीं भेजा? वाओ, हाउ रोमांटिक। यहां तक पहुंच गई है, तुम्हारे आशिक तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेज रहे हैं। जरूर तुम्हारा कोई आर्टिकल देख के ना दीवाना हो गया। मेरे जाते ही तुम्हारी रंगरेलियां स्टार्ट हो जाती हैं। ये आपने मेरे लिए नहीं भेजा? मैं भेज दूंगा तुम्हारे लिए गिफ्ट। हाँ, चोरी पकड़ी गई, अपना नादान बन रही है मेरे सामने। देख, हाँ, अपने अफेयर को छुपाने के लिए मीठी मीठी बातें कर रही है अभी मेरे साथ। हाँ, तुझे पता है मुझे ना तेरे पे पहले से ही शक था। तुझे लगता है मेरे जाने के बाद तू कुछ भी करेगी मुझे पता नहीं चलेगा? चल बता किसका है? मुझे नहीं पता। हाँ? तुझे नहीं पता? नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगी तो? प्लीज 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 मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे सच में नहीं पता। ये किससे बोला? नहीं 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 मुझे नहीं पता। हाँ जीनू, कैसा लगा मेरा सरप्राइज गिफ्ट? तेरा गिफ्ट? वो कुर्ती तूने भेजी थी? और नहीं तो क्या, पता है सेम टू सेम कुर्ती ना मैंने खुद के लिए भी ऑर्डर की है। सिस्टर्स डे आने वाला है ना, तो मैंने सोचा है हम दोनों सेम कुर्ती पहन के ट्रेनिंग करेंगे। और सुन, जब तू वो कुर्ती पहनेगी ना तो अपनी एक पिक मुझे भेजना, मुझे स्टोरी में डालनी है। क्या हुआ, कुर्ती पसंद नहीं आई क्या? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। आखिर मेरी बहन ने इतनी इतनी प्यार से मुझे भेजी है, मुझे कैसे अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, तो तू इतनी लो क्यों साउंड कर रही है? सब ठीक है ना? तेरे और जीजू के बीच कुछ टेंशन तो नहीं है? नहीं, अगर है क्या? सब ठीक है। वो
आज थक गई हूँ ना, तो इसलिए आवाज ठंडी लग रही है। अच्छा सुन, मुझे किचन में काम है, मैं तेरे को बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा ठीक है। आगे मैं आपके लिए चाय रख के आती हूँ। मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए? 11 मिनट तक कहाँ थी तुम? मार्केट गई थी घर का सामान लेने के लिए। कौन सी मार्केट गई? यही जो पास वाला मार्केट है। चल बता। चल बता क्या क्या लिया था तूने? 5 मेरी बिस्किट। बस? 3 मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची। बस? सोया चंक्स। हाँ, और एक चाय पत्ती और एक ये तेल। भूल गई क्या? कितना हो गया? 2,500 रुपए हो गए। तू रखी सर। चल आठ मिनट लगे हैं हमें, और तू 11 मिनट बाहर थी। 3 मिनट किसके साथ थी तू? शॉपिंग के बहाने आशिकों से मिलती है तू? नहीं मैं किसी के साथ नहीं थी। सामान लेने में टाइम तो लगता है ना। सच बता मुझे, सच बता। तू कल रेडी रहना, मेरा कल टेस्ट है। गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हो? ले जाओ। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मुझे क्यों लाए गए? आपका ट्रांस वजाइनल टेस्ट होगा। डॉक्टर अल्पेश ने बताया है कि आपको रिलेशनशिप बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसी के चलते ये टेस्ट। हाँ, आप मेरा टेस्ट करेंगे? अरे भाई, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और आपके पति आपको मेरे पास लेकर आए हैं, जाहिर है कि मैं ही टेस्ट करूँगा। कुछ हुआ ही नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। अल्पेश, अल्पेश!
आप रिलैक्स हो जाओ, आप रिलैक्स हो जाओ, आप रिलैक्स। ये क्या है ये? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं कब स्वस्थ हुआ? ये आदमी ये कैसे करेंगे? अल्पेश प्लीज मुझे कुछ नहीं करना, ये क्या टेस्ट करवा रहे हो? अल्पेश मुझे बहुत डर लग रहा है। अल्पेश देख, अल्पेश अल्पेश मुझे डर लग रहा है। अल्पेश नहीं अल्पेश, तू टेस्ट तो करवा रहा है पर इससे कुछ हाथ नहीं लगने वाला, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं पता चलेगा तुझे। कुछ पता नहीं लगेगा मतलब? मुझे पता लगाना कि मुझे खुशी क्यों नहीं दे पा रही है। हो सकता है कि उसका मन ही ना करता हो। मन नहीं करता मतलब? मन कहीं और लगता है इसका। नहीं बेटा, आजकल वो ज्यादा फोन पर बात करती नहीं है। जब भी फोन करो थोड़ी देर बात करके रख देती है। आपको नहीं लगता हमें उससे मिलने जाना चाहिए उसके घर? और हम तो दरभंगा कभी गए भी नहीं है। मुझे लगता है ना हमें जाके देखना चाहिए कि वो वहाँ पे कैसे रह रही है, उसका घर कैसा है। ठीक कह रही हो तुम। आप दोनों कैसे हो? अरे जीजू कहाँ है? दो दिन बाद उनका बर्थडे है ना, हम उनको ही सरप्राइज देने आए हैं। लो जीजू आ भी गए। आप दोनों बिन बताए ही आ गए। लगता है देविका के अलावा आपके घर की सारी औरतों को ना बातें छुपाने की आदत है। वो हमें लगा कि हम देविका को फोन कर ले, लेकिन फिर सोचा कि जाकर मिल ही लेते हैं। और कितने दिन रुकने वाले हैं आप दोनों? अरे दिन नहीं, हम तो शाम वाली बस पे चले जाएंगे। बस दामाद जी से और देविका से मिलना था और ये घर भी देखना था, इसलिए चले आए। जानती हो दीदी, हम सब आ रहे थे ना, तो जो गुड्डू है ना हमारा पड़ोसी, वो आने के लिए जिद करने लगा। कहता है देविका से मिले इतना टाइम हो गया, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। इतने मुश्किल से तो मैंने मना किया उसको। अब ये गुड्डू कौन है? गुड्डू दीदी का बचपन का दोस्त। तो तुम रुक क्यों गई? पप्पू गोलू मोलू सबके जो जितने भी सारे इसके यार हैं सबको ले आती। दरभंगा का तो दिल तो ये बहलाती है, समस्तीपुर वालों को भी भला हो जाता। हाँ जीजू, पर पीछे जीजू क्या बोल रहे थे और उनकी बातों का क्या मतलब बनता है? वो सिर्फ उन्होंने मजाक किया। ऐसा मजाक कोई पति अपनी पत्नी के साथ करता है? बर्थडे मेरा है लेकिन हम सरप्राइज देविका को देंगे। तेरा सरप्राइज गिफ्ट भी आ गया। सरप्राइज। क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी खुद की जुबानी। ये देख बड़े झुमके मैंने ना तेरे लिए साइड करके रखे, तुझ पे ना बहुत सूट होंगे। मेरी बात को इग्नोर कर रही हो ना? हाँ तेरे और जीजू के बीच में कुछ परेशानी चल रही है ना? अरे तू बता सकती है ना मुझे? ऐसे कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है तो फिर वो नीचे जीजू क्या बोल रहे थे और उनकी बातों का क्या मतलब बनता है? वो सिर्फ उन्होंने मजाक किया तो और कुछ नहीं। मजाक? ऐसा मजाक कोई पति अपनी पत्नी के साथ करता है? इतना बेहुदा मजाक, इसको ना लांछन लगाना कहते हैं, मजाक नहीं है ये। इतनी बड़ी कब से हो गई? झरना चल, वापस जाने का टाइम हो गया।
दोनों में जो भी परेशानी है मुझे बता सकती है। अगर तुम इस वक्त नहीं बताना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन बेटा तुम घूट घूट कर मत जीना। जब भी तुझे यहाँ अच्छा ना लगे ना तो तू अपने घर चली आना, आज भी वो तेरा अपना घर है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, जैसे आप समझ रहे हो। शुरू शुरू में एडजस्ट करने में, एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना, और वैसे भी पति पत्नी में तो अनबन होती रहती है। आज अनबन है फिर ठीक हो जाएगा, और कल तक तो पक्का ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ बाबा पक्का। मम्मी आप दोनों यहाँ पर आए, बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आप दोनों को बहुत याद कर रही थी। आते रहिएगा ऐसे। हाँ बेटा। नहीं मम्मी, मैं अपनी तकलीफ का बोझ आप पर नहीं डालना चाहती। मैं आपको और जरना को दुखी नहीं करना चाहती। बचपन से आपने इतने दुखों को सहकर आपने मुझे पाला, मैं अभी और आपको दुख नहीं देना चाहती। अल्पेश मुझे ना तुमसे एक शिकायत है। क्या जरूरत थी इतनी सुंदर बीवी लाने की? पता है राकेश को देविका के लंबे बाल इतने पसंद आ गए हैं कि अब वो मेरे पीछे पड़ गया कि मैं भी अपने बाल लंबे रखूं। नॉट फेयर हाँ, तुम्हारी बीवी के चक्कर में मुझे भी बाल बढ़ाने पड़। अटेंशन एवरीवन, आज मेरा केक काटने से पहले मेरी धर्म पत्नी देविका जो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखती है अपने ब्लॉग में से हम सबको एक पोएम सुनाएगी। जरूरत है? अरे सबको पता चलना चाहिए कि तुम कितनी ज्यादा टैलेंटेड हो। और आप सबको ये पता है नॉर्मल व्लॉगर नहीं है, इनके दुनिया में कितने सारे चाहने वाले, और ये पूरा दिन उन्हीं के साथ बिजी रहती हैं। चलो शुरू करो। ये कविता अल्पेश के लिए मैंने लिखी है। कृपिका, बर्थडे मेरा है, लेकिन हम सरप्राइज देविका को देंगे। इसका सरप्राइज गिफ्ट ले गया। तेरा सरप्राइज गिफ्ट क्यों आ गया? सरप्राइज बाल तो अच्छे हैं तुम्हारे।
अरे तुम तो डर गए, कहाँ रहे हो तुम तो, इतनी आसानी से थोड़ी मारूंगी तुम, अभी तो तुम्हें बहुत तड़पना है, हाँ? लेकिन शायद बहुत जल्द तुम्हें मरना पड़े। तुम ही ना देविका की जैसे ही धोखेबाज, धोखा दिया तुमने मुझे, इसलिए तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन मरने से पहले एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते तुम कि तुमने मुझे धोखा दिया है, हाँ? मेरे साथ शादी में रहते हुए भी तुमने अलग अलग लड़कियों साथ में अफेयर चलाए हैं, जो मैंने किया ही नहीं। कैसे मान? अच्छा तो तुम नहीं मानोगे ऐसे? ठीक है फिर मिलते हैं 4 बजे। Bye. See you. मैं फिर से दुल्हन बनना चाहती हूँ, इस उम्मीद में कि शायद किसी जिंदगी में मुझे सुहागन बनने का सुख मिल सके। मम्मा, आपने यही बताया था कि शादी में आदमी और औरत बराबर होते हैं, तो फिर अल्पेश क्यों मुझसे जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते हैं? मेरे शरीर से ज्यादा घाव मेरी रूह पर लगे हैं, उसके अत्याचार ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं मजबूर थी रुपेश, पर अब नहीं, अब और दर्द नहीं दे सकती मैं तुम्हें। तब मैं तुम्हें आजाद कर रही हूं। यार थक गई हूं यार मैं तुम्हें पालते पालते। मुझे माफ कर दो बेटा, पति हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुम्हें तुम कर देती ना, मुझे माफ कर। हाँ बाबा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती। मैं बताऊँ तुम्हें मेरा प्यार कैसा है? हुँ? जाने का गम हमें भी उतना जितना तुम्हें है, लेकिन यही सच है, उसने सुसाइड किया। हमें उसके कमरे से ये लेटर मिला है। इस सुसाइड नोट पे उसने साफ साफ लिखा वो सुसाइड करने जा रही है, उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं। झूठ है ये सब झूठ है ये। मेरी दीदी बिल्कुल ठीक थी, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। तुम दोनों ने हमारे आने के पहले ही उनका दाह संस्कार भी कर दिया, जरूर तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो। सच बताओ वरना मैं भी जाके पुलिस में शिकायत करूंगी तुम्हारी। हमने पहले ही सुसाइड की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी। दीदी सुसाइड कर ही नहीं सकती। आपके पास किसी के खिलाफ कोई सबूत है? हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। दो लड़कियों के साथ सगाई की फोटो, ये क्या है? क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी, खुद की जुबानी। जब देविका जी ने सुसाइड नोट में किसी का जिक्र नहीं किया और उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, तो हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। सर मेरी दीदी सुसाइड कर ही नहीं सकती।
मैं कह रही हूँ वो सुसाइड नोट झूठी है। आपके पास किसी के खिलाफ कोई सबूत है? सबूत तो मेरे पास। आप एक काम कीजिए, आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, हम देखते हैं क्या कर सकते। सगाई की फोटो, ये क्या है? ये चाकू लेकर कहाँ जा रही है? जल्दी में कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? मुझे ना कुछ काम है बाहर, तो मैं होकर आती हूँ। एक मिनट, इस वीडियो में ये औरत आप ही है ना? क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी, खुद की जुबानी। क्या बात है अल्पेश, इतनी जल्दी में कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? आप लोग बातें करिए, मुझे ना कुछ काम है बाहर, तो मैं होकर आती हूँ। एक मिनट, इस वीडियो में ये औरत आप ही है ना, अपने पति रुपेश को मारते हुए? कृतिका जी, जरा प्यार से बताइए कि आपने ये क्यों किया? ये बहुत ही बेहुदा आदमी था, इसके बहुत सारे अफेयर्स थे, शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़कियों के साथ में रंगरलियां मनाता था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मुझसे शादी करके। क्यों की थी उसने मुझसे शादी? जिंदा पति को मरा हुआ बताना और बीवी के मर्डर को सुसाइड बताना। अब ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं हम पर? देविका ने सुसाइड नोट लिखा है। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, इस फोन में देविका का असली सुसाइड नोट है जो मरने से पहले उसने लिखा था। शायद वो इसे ब्लॉग पे डालना चाहती थी। ये फोन सच सामने आता है, काश मैं कानून के तरीके से नहीं अपने तरीके से न्याय कर पाती। ये सब झूठे सबूत है हमें फंसाने के लिए। अच्छा, अंदर आओ। तुम्हारी एक्स मंगेतर कुसुम, देविका से रिश्ता पक्का होने के 2 महीने पहले तुमने कुसुम से सगाई की थी। कुसुम से सगाई के बाद तुमने उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की। जब उसने मना किया तो तुमने उसके साथ मारपीट की और फिर उसके पिता ने ये रिश्ता तोड़ दिया। कुसुम तो बच गई पर देविका बदनसीब निकली कि उसकी शादी तुमसे हो गई। तेरे अत्याचार का हर सबूत देविका ने खुद इस फोन में लिखा है और कृतिका जी ने क्राइम सीन पे सारे सबूत दे दिए। ले चलो इन्हें। ए इंस्पेक्टर, मैं तेरे झूठे केस में फंसने नहीं वाला हूँ। हेलो।